हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गीता के नू लाइफस्टाइल। गीता के नू लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सेंसिटिव स्किन की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आजकल टीनेजर्स या फिर सभी लोग फेस कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है पिंपल्स की। बहुत ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, मैम पिंपल्स के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, पिंपल्स से बहुत ज्यादा परेशान है। पिंपल्स हो जाते हैं उसके बाद फिर उसके दाग धब्बे रह जाते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सनबर्न की प्रॉब्लम है, धूप में निकलते हैं सनबर्न हो जाता है, जो स्किन टोन है वो आपका अनइवन हो जाता है, डार्क पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, झाइयां हो जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग मुझसे बताते हैं कि मैम इसके लिए कोई वीडियो बनाइए इसके ऊपर। तो आज मैं उसी का एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, पिंपल्स की हो, पिंपल मार्क्स की हो, डार्क सर्कल्स की हो, झुर्रियों की हो, फाइन लाइंस की हो, तो जितनी भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छी चीज लेकर आई हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी क्रीम जो कि बहुत महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है, उससे ज्यादा कॉस्टली आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर लेते होंगे, बहुत इससे ज्यादा आप पैसे खर्च कर देते होंगे इन चीजों का इलाज करने में। पर ये एक इतनी बढ़िया क्रीम लेकर आई हूँ जिसका नाम है विच हेजल। बहुत मैंने इसके लिए रिसर्च की, बहुत ज्यादा इसे ढूंढा कि आखिर है क्या चीज और ऐसी क्या चीज है इसके अंदर जिससे कि आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो विच हेजल होता क्या है? हेजल एक प्लांट है जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता है, बाहर विदेश का है, और इसके अंदर बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर देती है। इसकी जो छाल होती है, टहनी होती है, उसमें से रस निकाला जाता है और वो रस हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो जाती है। इससे आपको टोनर बनाया जाता है, फेस वॉश बनाया जाता है, क्रीम बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। और यहाँ पर इंडिया में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, विदेश में बहुत ज्यादा विच हेजल यूज किया जाता है स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। तो मैं आपके लिए ये क्रीम लेकर आई हूँ जो कि सिर्फ 90 to 95 रुपीज की आपको मिल जाएगी। ये ऑनलाइन मिलती है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत अच्छी क्रीम है, इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसमें क्या लिखा है और इसे कैसे यूज करना है। तो ये है विच हेजल क्रीम, आप इसके ऊपर देख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा है डॉक्टर वक्नाली की होम्योपैथिक औषधि, यानी कि होम्योपैथिक क्रीम है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मेडिसिन कंपनी की तरफ से है, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए है मेनली, और जिनकी सेंसिटिव नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे यूज़ करा जाता है सनबर्न के लिए, पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए, और रिंकल्स अगर आपके बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हो गई हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्रोज फीट क्या होता है? जो आपकी आंखों के पास बारीक बारीक लाइंस हो जाती हैं, माथे के पास, आंखों के पास, जब आप हंसते हैं, कैपिलरी ब्लीडिंग, जब आपके जो नसें होती हैं मोटी हो जाती हैं, और स्पॉट्स, दाग धब्बे, जो पिंपल्स के दाग धब्बे या कोई और भी दाग धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लॉचेज होता है, कहीं कहीं पे आपको डार्क दाग पड़ जाते हैं वो है, और वार्ट्स होता है कि आपके जो मस्से वगैरह हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये एक सिंगल क्रीम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ एक क्रीम से दूर हो जाने वाली है। और ये बना है हेमामिलिस, वर्जिनिका और कैलेंडुला ऑफिशिनेलिस, दो चीज़ों से बना है, और इसमें कोई जलन नहीं होती है इसे लगाने के बाद, और कोई दाग धब्बे नहीं छोड़ती है ये क्रीम। और यहाँ पर लिखा है सूक्ष्म त्वचा की गर्मी, यानी कि सेंसिटिव स्किन के लिए भी है ये क्रीम, कोई भी लगा सकता है, और आपके एक सनस्क्रीन की तरह भी काम करती है, धूप से बचाती है। तो विच हेजल क्रीम इसका नाम है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा, और अगर खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसे आपको मैं खोल कर दिखाती हूँ अंदर से कैसी है। तो इस तरह की ट्यूब मिलेगी आपको,
और अंदर से दिखाती हूँ, जैसे कोई भी क्रीम होती है वाइट क्रीम, उस तरह की ये क्रीम है। आपको जैसे आप कोई भी क्रीम लगाते हैं फेस पे उस तरीके से ही लगाना है इसको, और बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। होम्योपैथिक है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आपको शक है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, स्किन डॉक्टर से। तो इसकी कॉस्ट है 95 रुपीज़ फॉर 20 ग्राम्स, और ये मुझे, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है तो मुझे सिंगल ट्यूब नहीं मिली, मुझे 3 ट्यूब्स मिली हैं, मुझे 3 ट्यूब्स लेनी पड़ी एक साथ। तो यहाँ पे लिखा है 20 ग्राम नेट, यानी कि 20 ग्राम की ट्यूब आपको 95 रुपीज़ की मिलती है। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पे मुझे 3 ट्यूब्स खरीदनी पड़ी, मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने वीडियो बनाने के लिए आपके लिए 3 ट्यूब्स खरीदी। कोई बात नहीं, आपको अच्छी लगनी चाहिए वीडियो। तो आपने स्क्रीन को देखा, इस पर लिखा हुआ है विच हेजल, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, यानी कि ये कोई भी लगा सकता है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो भी लगा सकते हैं। ये बनी ही सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, तो जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है वो तो लगा ही सकते हैं, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो बिल्कुल लगा सकते हैं इस क्रीम को। तो इससे आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है सारी दूर हो जाने वाली है, और ये एकमात्र सॉल्यूशन है आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स का। तो आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम इस तरह की कोई वीडियो डाली, और ये सिर्फ बॉय या फिर गर्ल्स एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, एक लेडी हो, एक जेंट्स हो, ये सभी के लिए है। इसे कोई भी यूज कर सकता है, और इसे आपको यूज कैसे करना है, जैसे कोई आप नॉर्मल क्रीम यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यूज करना है। आप चाहे तो इसे अपनी क्रीम के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, या फिर इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी क्रीम है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो आज का इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।